हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मोदक सीरीज की पांचवी रेसिपी, जो कि है उकड़ीचे मोदक। उकड़ीचे मोदक ये महाराष्ट्र और कोकण की फेवरेट ट्रेडिशनल रेसिपी है, जिसके लिए हमें चाहिए ये चावल का आटा है, जो स्पेशली मोदक के लिए ही मिलता है। ये हमने एक कप लिया है, ये दो कप हमने ग्रेटेड कोकोनट लिया है, डेढ़ कप गुड़ है जैगरी, ये ड्राई फ्रूट्स है मिक्स ड्राई फ्रूट्स, ये वन टेबल स्पून पॉपी सीड है खसखस, ये घी है, ये वन टेबल स्पून हरी इलायची का पाउडर है, दो पिंच हमें नमक लगेगा और पानी लगेगा, ये तो मोदक का मोल्ड है जिसके साथ हम मोदक बनाएंगे। आइए मोदक की रेसिपी शुरू करते हैं, जिसमें हम पहले 1.25 कप पानी डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, और ये थोड़ा सा नमक है। ये हमारा पानी अभी बॉईल हो चुका है, गैस की फ्लेम हम कम कर देते हैं और ये चावल का आटा इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं, अब हमें इसे ढक के रखना है 5 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम हमने ऑन कर ली है, अब इसमें हम ये पॉपी सीड खसखस डालेंगे, जिसे हमें थोड़ा सा भूनना है। ये हमारी पॉपी सीड्स खसखस भून चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स है, इन्हें भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को भी हमने 1 मिनट के लिए भून लिया है, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। अब ये गुड हम इसमें डालते हैं। हमारा गुड़ पिघल चुका है, अब हम इसमें ये 2 कप ग्रेटेड कोकोनट डालते हैं। अब इसमें हम ये पॉपी सीड्स डाल देते हैं, ये 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर है, हरी इलायची का पाउडर, वो भी डाल देते हैं। ये हमारा मिक्सचर भून रहा है, उसमें का नारियल ने जो पानी छोड़ा है वो कम हो रहा है, तब तक हम चावल के आटे को मसल लेते हैं। तो मैं चावल का आटा इसमें निकाल लेती हूँ। चावल का आटा अच्छे से गूंद लेते हैं और उसका अच्छे से डो बना लेते हैं, उसको थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल लेते हैं और इन्हें थोड़ा सा इसके साथ पकने देते हैं। मिक्सचर बन के तैयार हो गया है, गैस की फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं और इसे मिक्सचर को ठंडा होने देते हैं। मोल्ड में डाल के उसे मोदक का शेप देते हैं, जिसके लिए ये जो चावल का आटा है उसे अच्छे से साइड में लगाना है और फिर उसके अंदर ये गोली भरनी है। से बन के तैयार हो गए, ऐसे बाकी के भी मोदक हम लोग भर लेते हैं। अब हम ये थोड़े से राइस के फ्लावर में ये लेमन येलो कलर डाल के थोड़ा सा अलग कलर का मोदक बनाते हैं। अब हम ये लेमन येलो कलर के मोदक बना लेंगे, इसमें इस
इसमें भी मैं ये थोड़ा सा पहले नीचे दबा लेती हूँ। दबा के भरना है, फिर नीचे पहले एक कप के राइस फ्लोर में हमारे ये 24 भगवान के तैयार हो गए हैं। ये छोटे साइज के हैं इसलिए 24 बने हैं। ये मैंने स्टीमर में पहले ही पानी गर्म करने के लिए रखा था, ये पानी बॉईल हो चुका है। अब हम ये मोदक इसमें छलनी में रखे हैं, ये इसमें बॉईल करने के लिए रखे हैं। 20 मिनट हमें इसे बॉईल करना है। ये हमारे मोदक 20 मिनट हो गए हैं हमने स्टीमिंग के लिए रखे। गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और उसे ठंडा होने देते हैं।